नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करते रहना है, और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना कि 40 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? तो बताओ ये कौन से संग्रहालय में अधिक मिलता है, एक का आंसर आपको बताना है। तो मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक कुषाण काल की मूर्तियां मिलती हैं, एक का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो बताओ कौन सा था मौर्यों के बाद। प्रश्न संख्या दो का आंसर आपको देना है कि दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था सातवाहन, यानी दो का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने करी थी ये आपको बताना फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या तीन का? तो तीन का जितने भी लोग बता रहे हैं हरिसिंह, तीन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो बताओ कौन थे। तो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध थे वो कालिदास थे, चार का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? तो बताओ कौन से वंश के काल के चित्र हैं अजंता की गुफाओं में? तो ये जो चित्र हैं वो गुप्त वंश के काल के, यानी पांच का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? बताओ कब हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन का जो गठन हुआ था वो 1995 में हुआ था, यानी छह का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो कौन से क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है, सात का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आठ है कि कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो इनमें से एक उद्योग ऐसा है जो सबसे अधिक रोजगार देता है, वो कौन सा उद्योग है? तो वो उद्योग है कपड़ा उद्योग, आठ का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तो बताओ कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे महंगा शहर है वो टोक्यो है, नौ का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो जो तरंगें हैं ये पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, दस का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न आ जाता है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं। तो वेनेजुएला के जो घास के मैदान है इन्हें लानोज कहा जाता है, 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है कि सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं। तो सात पहाड़ियों के नगर के नाम से ये रोम को जाना जाता है, 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तेरहवां प्रश्न है आपके सामने कि पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो ये जो नौसैनिक अड्डा है वो यूएसए का है, 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौदहवें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ क्या पड़ता है। तो अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर
अंग है ये बढ़ता है, यानी चौधरा का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, ये कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है, बताओ कौन सा धातु पाया जाता है। तो ब्रोमीन है, ये तरल रूप में पाया जाता है। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, बताओ किसकी होती है। तो प्राकृतिक गैस में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो मीथेन की होती है, यानी 16 का डी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था, तो कौन से देश में हुआ था प्रथम परखनली शिशु का जन्म। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जन्म इंग्लैंड में हुआ था, 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न के पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो बताओ कहाँ पर होता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका शोषण होता है या अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न कि प्रोटोजोआ कैसा जीव है, बताओ कैसा है। तो प्रोटोजोआ यह एक कोशिकीय जीव है, यानी 20 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि भारी जल का अणु भार कितना होता है, तो भारी जल का जो अणु भार है ये होता है 20। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित तो हुआ था, बताओ कब आया था ये दल बदल विरोधी कानून। तो ये 1985 में आया था, 22 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया, तो कौन से देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 24, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताओ कब हुई थी। मुंबई उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1862 में की गई थी, 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो जो फूलों की घाटी है ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में, 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया ए सेकुलर एजेंडा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस पुस्तक को लिखा है अरुण सौरी ने। 26 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 27वां प्रश्न है कि चकमा शरणार्थी का संबंध किससे है, तो बताओ कौन से देश से चकमा शरणार्थियों का संबंध है। इनका जो संबंध है वो बांग्लादेश से है, 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है, बताओ कौन सा राज्य अग्रणीय है सेब के उत्पादन में, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य है, 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, तो बताओ कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो ये हुआ था चौथी शताब्दी में, यानी 29 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है, तो बताओ ये कौन से देश का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर, तो ये जो नौसैनिक अड्डा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है, बताओ कहाँ पर है। तो विश्व भारती इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, यानी 31 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है कि अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताओ कब की गई थी अभिनव भारत की स्थापना
32वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना 1904 में की गई थी अवनव भारत की। बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया। तो बताओ कौन से अंग्रेज ने ये शारदा एक्ट बनाया था। तो इसे लॉर्ड इरविन ने बनाया था। 33 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न की द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है। बताओ किसके द्वारा इसे लिखा गया है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इसे जो लिखा है वो लिखा है विजय लक्ष्मी पंडित ने। यानी 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है कि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के जो घास के मैदान है इन्हें कंपोज कहा जाता है। यानी 35 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है कि इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। तो इंडोनेशिया में ये स्थानांतरित कृषि होती है उसे हुमा नाम से जाना जाता है, जैसे भारत में झूम के नाम से जाना जाता है। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को हम कहते हैं विटीकल्चर। यानी 37 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न कि ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ। तो कब हुआ था ये ओजोन परत संबंधी वियना समझौता है। 38 का आंसर आपको देना है। तो ये 1985 में किया गया था। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है ये हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। यानी 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। बताओ कौन सा है। तो लोहा का जो शुद्धतम रूप है वो पिटमा लोहा है। यानी 40 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।